हेलो एवरीवन पाइथन का फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अगर आपने ये प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप मेरे चैनल में जाके पाइथन का प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको एवरीडे एक नए नए वीडियो आपको देखने को मिले इस सीरीज़ में तो पाइथन सीखने के सीरीज़ में ये वीडियो नंबर टू होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले कमेंट्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग तो नोट में आता हूँ मैं ठीक है हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कमेंट्स क्या होते हैं तो पहले हम लोग समझते हैं कि कमेंट्स का यूज़ क्यों पड़ा ठीक है क्या होता है वो बाद में जाते हैं पहले हम लोग इसका यूज ही है, समझते हैं कि भाई इसका यूज़ कहाँ करेंगे और क्यों ज़रूरत है मुझे ठीक है तो मान लो कि आप एक प्रोग्रामर हो एक, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ठीक है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ठीक है कोई इन्हेंसमेंट कर रहे हो या डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको थाउजेंड्स टू थाउजें ऑफ कोड बनेंगे ठीक है और बहुत सारे आपका मॉड्यूल्स बनेंगे बहुत सारे ब्लॉग्स बनेंगे तो कमेंट्स क्या करता है वो पर्टिकुलर मॉड्यूल का क्या पर्पस क्या था वो पर्पस को एक नॉर्मली इंग्लिश लेटर में लिखता है ठीक है मतलब समराइज करता है कि पूरा नीचे जो कोड है ब्लॉक ऑफ कोड है उसका पर्पस क्या है उसको हम लोग एक लाइन और दो लाइन कमेंट्स में हम लोग डाल सकते हैं ठीक है उससे क्या होता है कि आ, बाद में जब आप कोड रिव्यू करो ठीक है या कोई और बंदा जो आपका कलीग है अगर वो आपका कोड देखना चाह रहा है तो ईजीली समझ सकता है कि भाई इस ब्लॉक ऑफ कोड में एक करना क्या चाह रहा है ठीक है और अगर मान लो कि आप अपना कुछ खुद का प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे थे किसी कारण से आपने प्रोजेक्ट बनाना स्टॉप किया है और एक साल दो साल के बाद रीस्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको खुद का लिखा हुआ कोड भी एक टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि भाई हमने क्या किया था यहाँ पे ठीक है तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक गुड प्रैक्टिस है कि हर एक ब्लॉग का कमेंट्स दें ठीक है ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ ठीक है तो कमेंट्स क्या है आपको समझ में आया अभी कैसे इसको रखते हैं वो जानना जरूरी है राइट हर हर लैंग्वेज में हम हमारे पास कमेंट्स रहते हैं ठीक है ठीके? यूज करने का तरीके अलग है सिंटेक्स अलग है तो पाइथन में हम लोग का दो कमेंट्स है ठीक है तो पहला कमेंट्स आपका होगा इनलाइन कमेंट्स ओके एंड सेकेंड वन इज ब्लॉक कमेंट्स ओके तो अभी डिस्कस करते हैं इनलाइन कमेंट्स के इनलाइन कमेंट्स का मतलब है कि आप जो लाइन में कोड लिख रहे हो सेम ही लाइन में आप कमेंट दो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट ठीक है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और हेलो कोडर ठीक है तो अगर मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ इसी सेम लाइन में ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा हैज यूज करूँगा हैज बोलूंगा लिखूंगा प्रिंटिंग मैसेज तो प्रिंटिंग मैसेज हैजट टैग के साथ है तो ये क्या हुआ आपका कमेंट्स हुआ ठीक है तो जब कोड आपका रन होगा तो आपका कोड बस इसको ही कंसिडर करेगा जब पाइथन कोड ठीक है इसको रीड करके छोड़ देगा कि भाई ये कमेंट्स है इसको कुछ नहीं करना है ठीक है बस ये हमारे पर्पज़ के लिए तो सेम ही लाइन पे जिस लाइन पे कोड था उसी लाइन पे हम लोगों ने मैसेज डाला तो इसको क्या बोलेंगे इन लाइन कमेंट्स ठीक है अभी दूसरा आते हैं हम लोग कि ब्लॉक कमेंट्स क्या होते हैं तो अगर आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखो जैसे मान लो कि आप कोई फंक्शंस बनाए हो ठीक है एक्स वाई जी बोल के मैंने एक फंक्शन बनाया ठीक है अभी इस फंक्शन का पूरा जो पर्पस है यहाँ पे मान लो आपका कोड है ठीक है यहाँ पे आपका कोड है तो पूरे फंक्शन का जो पर्पस है मान लो कि आप जो भी करना चाह रहे हो ठीक है कि फाइंडिंग फाइंडिंग नेक्स्ट मंथ डेट ठीक है तो आप आपका जो भी यहाँ पे कोड रहेगा उस जो भी जो भी कोड आपका है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ठीक है एज अ कमेंट्स कि ये फंक्शन क्या कर रहा है ठीक है तो होता है आपके कमेंट दो लाइन दो टाइप के कमेंट्स हैं इनलाइन ब्लॉक इनलाइन कमेंट्स एंड ब्लॉक कमेंट्स एक और होता है डॉक्यूमेंट्री कमेंट्स जो कि आप आ, जिसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते तो अभी अभी के लिए इनलाइन एंड ब्लॉक कमेंट्स वही हम लोग समझते हैं तो आपका दो टाइप का कमेंट्स हो गया ओके okay, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है आइडेंटिफायर ठीक है तो आइडेंटिफायर क्या होता है तो आइडेंटिफायर एक नेम होता है तो नेम किस चीज़ का तो एक वेरिएबल का हो सकता है एक फंक्शन का हो सकता है एक मॉड्यूल का हो सकता है एक क्लास का हो सकता है एक ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है सेम एज ह्यूमन का नेम होता है ठीक है तो हम हमें हमारे आइडेंटिफिकेशन क्या है हर एक पर्सन का एक यूनिक नेम है राइट right? जिससे हम लोग उसको कॉल uh, कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी क्या होता है कि हर एक वेरिएबल का एक नेम हम लोग दिया जाता है ठीक है जिस उस नेम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड है ठीक है फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जहाँ भी उसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं ठीक है और जहाँ भी मुझे उसका यूज है मैं बस उस नेम को कॉल कर सकता हूँ ठीक है तो आइडेंटिफायर है क्या तो एक नेम होता है इट्स अ नेम ठीक है एक नेम है नेम है किसका यहाँ पे एक पर्सन का नेम आइडेंटिफायर नहीं है हम लोग का प्रोग्रामिंग तो वर्ल्ड में नेम होता है किस चीज़ का तो वेरिएबल्स के नेम हो सकते हैं ठीक है एक वेरिएबल्स के नेम है ओके फंक्शंस के नेम होते हैं ठीक है मॉड्यूल्स है क्लासेस है ठीक है ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं अपना एटसेट्रा ओके okay? तो ये सबका नेम को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर ठीक है अब आइडेंटिफायर नेमिंग का कुछ रूल्स होता है जो आपको फॉलो करना है ठीक है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या होगा कि पाइथन आपको एरर देगा ठीक है तो पहला रूल आपका क्या है कि आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ नेम नेम ठीक है और एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं कैपिटल नेम ठीक है तो अभी नेम में मैं असाइन करता हूँ जग्गीटेक ओके और मैं इसमें असाइन करता हूँ हेलो ठीक है तो जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे नेम में आपका जग्गीटेक प्रिंट होगा नेम में आप और कैपिटल एन में जो स्टार्ट हो रहा है जो उसमें आपका हेलो प्रिंट होगा ठीक है तो बेसिकली कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि एक केस सेंसिटिव है सेम ही नेम का अगर केस अलग है ठीक है अगर अपर केस और लोअर केस अलग है तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल के Uh, के तौर पर ट्रीट किया जाएगा ठीक है सेम ही रीडिंग में सेम है बट इंटरनली इसका जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो अलग होगा ठीक है तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि आइडेंटिफायर सर केस सेंसिटिव ठीक है सर दूसरा क्या है आपका uh, दूसरा आपका है कि आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड ओके कीवर्ड नहीं हो सकता अभी कीवर्ड क्या है हम लोग जस्ट आइडेंटिफायर खत्म करके हम लोग कीवर्ड की ओर मूव करेंगे तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ठीक है थर्ड में जाता हूँ कि थर्ड आपका क्या हो सकता है तीसरा एक वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन सेंस आप ऐसा वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हो कि फर्स्ट स्पेस नेम नॉट अलाउड ओकेट्स इट्स आपका क्या है? ये फर्स्ट फर्स्ट स्पेस नेम ये आपका एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो ये अलाउड नहीं है ठीक है इंस्टेंट आप क्या कर सकते हो आप कर सकते हो फर्स्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ठीक है ये आपका वैलिड सिंटेक्स है वैलिड सिंटेक्स टू डिफाइन आ वेरिएबल ठीक है to, uh, to variable, फिर आपका फोर्थ क्या होते हैं सर तो फोर्थ होता है आपका कि हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल like, uh, uh, like okay, 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 यूज नहीं कर सकते ठीक है वेरिएबल के लिए लाइक वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एट द रेट ओके हैज ओके डॉलर परसेंटेज ओके एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम लोग यूज नहीं कर सकते एक वेरिएबल आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए ठीक है तो हम लोग कौन सा कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? तो सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है ठीक है तो ओके okay, तो आपका वैलिड आइडेंटिफायर किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं ठीक है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिजिट्स ओके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिजिट्स हो सकते हैं बट इसमें भी एक कंडीशन है कंडीशन क्या है कि इट मस्ट इट मस्ट बिगिन विथ लेटर और और अंडरस्कोर और अंडरस्कोर तो मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिजिट्स तो मेरे ये भी है मान लो कि सेवन एट नेम ऐसा मैं अगर मैं डिफाइन करना चाहता तो ये आपको एरर देगा ठीक है एरर देगा ये रीजन क्या है कि एक एक वैलिड आपका आइडेंटिफायर नेम नहीं है वेरिएबल नेम नहीं है ठीक है तो तरह इस तरह सोचते हो नेम से इज़ फाइन ठीक है आप नेम अंडर स्कोर सेवेंटी एट इज़ ऑल्सो फाइन ओके या तो फिर अंडर स्कोर नेम सेवेंटी एट इसल्सो फाइन ओके तो ये सारे आपके आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे जब भी आप वेरिएबल्स के नेम दे रहे हो ठीक है फंक्शंस के नेम दे रहे हो मॉड्यूल्स डिफाइन कर रहे हो क्लास ले रहे हो ठीक है ओके okay? तो अभी हम लोग मूव करते हैं सभी का हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे ठीक है अभी हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था कीवर्ड कीवर्ड क्या है तो इट्स अ रिजर्व वर्ड ठीक है क्या है सर कीवर्ड कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है इसका मीनिंग रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है कि पाइथन ने इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड करके रखा है मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो लाइक जावा सी और सी प्लस प्लस तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हो तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि आप इसे रिलेट कर सको तो जैसे कि अगर एक नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश टर्म का यूज करें कि इफ राइट तो इफ़ इफ़ बोलने से क्या पता चलता है कि भाई कि कुछ कंडीशन आने वाले मैं वहां जाऊंगा इफ़ एंड ओनली इफ दैट पर्सन इज देयर मतलब क्या हुआ कि वो बंदा वहां है तो ही मैं वहां पे आने वाला हूँ राइट तो इफ़ का सिंपल सा फंडा क्या यहाँ पे हो रहा है हम लोग को पता चल रहा है कि कंडीशन पुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश का अगर बात करें तो सेम ही चीज़ पाइथन में किया गया कि इफ़ का हम लोग कंडीशनल ब्लॉक के लिए करते हैं कि अगर आपका एज थर्टी से ज़्यादा है मान लो कि आप वोटिंग के लिए जा रहे हो ठीक है तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन देन यू आर एलिजिबल फॉर वोट राइट अगर आपका उम्र अठारह और अठारह से ज़्यादा है तो ही आप वोटिंग कर सकते हो राइट right? तो वहाँ पे क्या हो रहा है इफ़ लग रहा है तो इफ़ का मतलब क्या हुआ कंडीशन लग रहे है तो कंडीशन मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो डिफाइंड है राइट वो स्टेटमेंट इफ का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड तो यहाँ पाइथन में भी क्या किया है बहुत सारे की वर्ड्स है जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड किया है पाइथन है जैसे इफ़ इफ का यहाँ पे यूज क्या होगा कि दूसरा कंडीशन के लिए यूज होते हैं फोर है ठीक है फोर आपका क्या होगा इसको इटेरेशन के लिए यूज किया जाता है इटेरेशन का मतलब क्या है लूपिंग करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है वाइल है आपका कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है और है एंड है ठीक है जो भी आपको यहाँ देखो आप ब्लू में आ रहा है कलर चेंज हो रहा है राइट तो ये सारे कीवर्ड्स हैं एक्चुअली नॉट नॉट ऑपरेटर है ठीक है ठीके? तो ऐसे बहुत सारे आपका कीवर्ड्स है पाइथन में जो, जो हम लोग जैसे जैसे सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे आपको कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगा कि सर कितने टाइप का कीवर्ड्स अवेलेबल है पाइथन में ठीक है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हिसाब ठीक है तो ये थे आपका आज का टॉपिक थियोरेटिकल uh, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लॉ कमेंट्स uh, कितने हैं दो टाइप के कमेंट्स आपका हम लोगों ने देखा इनलाइन कमेंट्स एंड ब्लॉक कमेंट्स फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा आइडेंटिफायर पढ़ा आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स देखे फिर कीवर्ड्स देखे ठीक है अभी चलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में मतलब ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रोग्राम में यू नो रन करके देखते हैं कोई एग्जाम्पल्स के साथ ठीक है तो आपको करना क्या होगा जैसे कि मैंने बोला है कि जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन कर लो ठीक है तो मैं सी एम डी को ओपन करता हूँ यहाँ पे ठीक है सर्च मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जुपिटर जुपिटर नोटबुक और देन एंटर मारता हूँ बहुत सारे बहुत सिंपल है ये ठीक है मेरा जुपीटर नोटबुक ओपन करके देखा ये ठीक है नोटबुक ओपन हो रहा है ठीक आप यहाँ पे एक्चुअली फाइल्स को सेव करके भी रख सकते हो ठीक है तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी कोड किया था एक लाइन का उसको मैंने यहाँ पे कहीं पे सेव किया था मैं देखता हूँ ठीक है मैं सर्च करता हूँ क्यों कहाँ पे है ओके ए वाला है ठीक है पाइथन ट्यूटोरियल मैंने उसका नाम दिया था तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं हम लोग इसी पाइथन ट्यूटोरियल में ही डेली कोड करने वाले हैं ठीक है तो ये आपका लाइन ऑफ कोड है अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कमेंट्स के बारे में ठीक है तो पहला जो आपका हम लोग टॉपिक्स है कमेंट्स तो इनलाइन कमेंट्स का हम लोग बात किए थे तो जैसे प्रिंट में हम लोग प्रिंट करते हैं हेलो हेलो कोडर ठीक है hello, hello coder, और इसको यहाँ पे हम लोग कमेंट देते हैं प्रिंटिंग मैसेज अभी रन करना है इसको रन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल एंटर ठीक है कंट्रोल एंटर ओके तो प्रिंट हेलो कॉर्डर लिखे यहाँ पे देखो आपको इसका वैल्यू मिल रहा है 32.0 टू पॉइंट जीरो एंड देन इस लाइन से आपको सिर्फ क्या मिल रहा है हेलो कोडर ही मिल रहा है तो ये आपका क्या हुआ इनलाइन कमेंट्स हुए आपका क्या हुआ सर आपका हुआ इनलाइन कमेंट ठीक है अभी हम लोग लेते हैं कि ए इक्वल टू मान लो एटीन ठीक है इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एटीन ठीक है प्रिंट यू कैन वोट एल्स अभी आपको सिंटेक्स पे नहीं जाना है कि इफ़ कैसे वर्क कर रहा है एल्स कैसे वर्क कर रहा है इवन प्रिंट कैसे वर्क कर रहा है मैं प्रिंट का भी चीज़ें बताऊंगा कि प्रिंट कैसे वर्क करता है ठीक है तो अभी बस एक लाइन में आप समझो कि पाइथन में किसी भी कोई भी अगर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो कॉन्सोल में तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें पाइथन दिया है ठीक तो है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यू आर नॉट एलिजिबल यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट ओके okay. अभी अगर हम लोग इसको रन करते हैं ठीक है तो बेसिकली रन करने से पहले भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट्स देते हैं इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन देन पर्सनस आर एलिजिबल फॉर वोट ओके तो ये पूरे कोड का पर्पज क्या था तो पूरे कोड का मेरा पर्पज था कि अगर आपका एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो ठीक है तो चलो इसको रन करते हैं देखो यू आर यू कैन वोट आ रहा है चूँकि यहाँ पे 18 था अगर मैं इसको फिफ्टीन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट बट ये सारे जो कमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे ठीक है वो आपको कंसोल में डिस्प्ले नहीं होगा जहाँ पे अभी आप कोड किए हो ठीक है आउटपुट विंडो में नहीं आएगा जहाँ पे कोड किया हो वहाँ पर देख सकते हो तो सर ये था आपका पाइथन सॉरी कमेंट्स पाइथन पर ठीक है अभी सेकेंड टॉपिक में हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर हम डबल हैच का भी यूज कर सकते हैं आइडेंटीफायर आइडेंटिफायर के बारे में समझते हैं ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था मान लो कि अभी एक अच्छे वाले हम लोग इंडेक्स को लेते हैं फर्स्ट नेम ओके फर्स्ट नेम यहाँ मैं देता हूँ जगीटेक फॉर एग्जाम्पल ठीक है और प्रिंट करता हूँ इसको तो अभी आप देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आपको यहाँ पे देखे मिलेगा जगह ठेक ठीक है अब अभी क्या करना है अभी हम लोग को देखना है कि इनवैलिड सिंटेक्सेस क्या है तो जैसे अभी मैं यहाँ से हटा दिया हूँ ठीक है मैं यहाँ पे व्हाइट स्पेस पुट किया अभी देखो मैं रन करता हूँ इसको सिंटेक्स एरर ठीक है अब सिंटेक्स एरर कहाँ है वो आपको देखो यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है कि ये नेम नेम के प्लेस पर एरर है ठीक है यह वो आपका फर्स्ट एरर दूसरा अगर मानते हैं चलो इसको हम लोग अंडर लगाते हैं और फिर से रन करते हैं एरर चला गया अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सिक्स से देखो एरर आ रहा है ठीक है तो कोई भी आइडेंटिफायर कोई भी नेम जो है वेरिएबल्स का वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होते ये मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ ठीक है डिजिट से स्टार्ट किया हो तो मुझे एरर दे रहे हैं राइट अभी क्या देखना था मैं चलो एक कीवर्ड का यूज करते हैं ठीक है तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इफ एक कीवर्ड है हम लोगों ने डिस्कस किया तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इफ़ इक्वल टू जगीटे देखो यहाँ पर भी एरर आ रहे हैं ठीक है तो इसको मैं भी सही कर देता हूँ एफ एन तो इस तरह से आप बाकी भी कॉन्सेप्ट्स को भी चेक कर सकते हो राइट right? तो ये सारी चीज़ें हैं आपका आज का टॉपिक में कमेंट्स हम लोग देखा आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स तो कीवर्ड्स वर्ड्स अभी आएगा तो जैसे इफ्ता एक कीवर्ड वर्ड एल जे कीवर्ड है प्रिंट एक कीवर्ड है राइट right? तो जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आपको और भी कीवर्ड्स का नॉलेज बढ़ता जाएगा ठीक है इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पेन ठीक है तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे ठीक है आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप हमें पिंग कर सकते हो कमेंट्स कर सकते हो मैं उसको एड्रेस करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग